नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बायो कॉम्बिनेशंस के बारे में। बायो कॉम्बिनेशंस होते क्या हैं और ये जो है किस प्रकार से वर्क करते हैं, इस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो बायोकेमिक्स और बायो कॉम्बिनेशन पर एक प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई है जिसपे हम सीरीज ऑफ वीडियोस लाने वाले हैं, तो उसको आप जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 के बारे में कि ये एनीमिया पर तो काम आता ही है, किस प्रकार से जो है खून की कमी को ये दूर करता है और आपको क्या सिम्टम देखने को मिले जिसके कारण आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और एनीमिया के कारण किन किन बीमारियों पर आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए आप जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा करके ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं डेली लाइव क्लिनिक 8:30 पर आता हूँ रात को, तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फटाफट से आप लाइव क्लिनिक पर जुड़ करके आपको क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक दवाई मुझसे जान सकते हैं। साथ में अभी तक आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए, और यदि आपको हमसे पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं बायो कॉम्बिनेशन होते क्या है। बायो कॉम्बिनेशंस ये होते हैं दोस्तों, जो बायो केमिक दवाई होती है, बायो केमिक दवाइयों के कॉम्बिनेशन को हम बायो कॉम्बिनेशंस बोल देते हैं। ये लगभग 1 से 28 नंबर के बीच में होते हैं, मतलब बायो केम भी कॉम्बिनेशन नंबर 1, 2, 3 ऐसे करते करते 28 नंबर तक होते हैं, जो पर्टिकुलर अलग अलग बीमारियों पर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 की यदि हम बात करें तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 जो है वो बहुत शानदार रिजल्ट देता है एनीमिया के केसेस पे। किसी भी प्रकार का आपको कोई एनीमिया हो रहा हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आइए बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 के बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 और SBL कंपनी का है ये। आप कोई भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, जो भी कंपनी आपको मिल जाए। सारी कंपनी के लगभग लगभग जो प्रोडक्ट है वो सेम ही रिजल्ट देते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा आप SBL कंपनी का या शॉबे कंपनी का लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके अभी तक मुझे देखने को मिले। हालांकि सभी अच्छे होते हैं पर SBL और शॉबे बहुत अच्छे हैं इस रेंज में। अब यदि हम बात करें बायो कॉम्बिनेशंस जो है यदि हम एनीमिया पर देते हैं तो कैसे काम करता है, तो उसके लिए हम लोगों को जानना होगा कि इस बायो कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ कौन कौन सी मिली हुई है और वो दवाई बॉडी में क्या असर करती है, तब हम जान पाएंगे कि एनीमिया तो ठीक करता ही, उसके अलावा भी कौन कौन सी चीज़ें ये ठीक कर पाता है। आइए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसको जो है इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ मिली हुई है। इसमें सबसे पहले कैल्केरिया फॉस दवाई मिली हुई है 3x पोटेंसी में। कैल्केरिया फॉस जो है आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी दवाई होती है। यदि हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, बोन मेरो में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही हो जिसमें RBC का जो प्रोडक्शन है वो यदि कम हो गया हो, या फिर आपकी बोन की डेंसिटी कम हो गई हो, या आपको हमेशा कहीं जोड़ों में दर्द रहता है, फटीग रहता है ना, आलसी आपको बहुत ज़्यादा होती है, साथ में आपको जो है लंबे को पीठ में दर्द हो रहा है, तो ये सारी परेशानी के लिए आप कैल्केरिया फॉस यूज़ कर सकते हैं। कैल्केरिया फॉस जो है 3x पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में मिली हुई है। अगली दोस्तों दवाई आती है फेरमफॉस। फेरमफॉस आयरन होता है, मतलब लोहा होता है, जो हमारे शरीर में जा करके हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने लगता है, साथ में हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी को बढ़ा देता है ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों से जो है वो हीमोग्लोबिन में एब्जॉर्ब हो सके और शरीर में ऑक्सीजन की अधिक से अधिक मात्रा पहुंचाई जा सके। तो फेरमफॉस जो है मेनली आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। एनीमिया मतलब ही यह होता है कि खून की कमी, तो खून की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, और फेरमफॉस हीमोग्लोबिन की कमी को ही पूरी करता है और हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो फेरमफॉस 3x पोटेंसी में इसमें मिली हुई है। अगली दोस्तों दवाई आती है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर दोस्तों एक हम बोल सकते हैं जो साधारण हमारा खाने का नमक होता है उसी को हम बोलते हैं नेट्रम्यूरेटिकम। नेट्रम्यूर आपकी इस परेशानी के लिए बहुत अच्छा काम आती है, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा सुस्तपन देखने को मिलता है और शरीर में कहीं पर सूजन देखने को मिल रही है, एनीमिया के कारण कहीं सूजन आ गई, या फिर नॉर्मली भी आपको यदि कहीं पर सूजन है, ऊजिंग हो रही है शरीर से, या इडीमा हो गया है, तो उन सारी परेशानियों में नेट्रम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। साथ में बॉडी के जो pH है उसको भी मेंटेन करने में नेट्रम्यूर का बहुत अच्छा योगदान है। तो नेट्रम्यूर 3x पोटेंसी में इसमें मिली हुई है। अगली और अंतिम दवाई है कालीफॉस। कालीफॉस या कैलीफॉस जो दवाई है 3x पोटेंसी में इसमें मिली हुई है। ये करती क्या है मेनली, कैलीफॉस का ये काम होता है कि जो हमारा नर्व्स हैं
जो हमारी नसें हैं उसको ये ताकत प्रदान करती है, जो नर्व्स हैं उनको स्ट्रेंथन करती है, ताकि कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि जब भी व्यक्ति को एनीमिया होता है तो टिंगलिंग होती है, मतलब झुन्नपन या सुन्नपन हो जाता है पेशेंट को। यदि कुछ समय तक जो है नीचे बैठ जाते हैं तो नीचे बैठने के बाद में जब खड़े होते हैं तो पैर एकदम सुन्न हो जाता है ना, झुन्नपन टिंगलिंग देखने को मिलती है, झुनझुनी देखने को मिलती है ना। तो इस कारण से यदि आपका कहीं पर भी कोई नस जो है वो कंप्रेस हो रही हो, या डेबिलिटी आपको हो गई हो, न्यूरेल्जिया हो रहा हो, या न्यूरेस्थेनिया की प्रॉब्लम हो, कोई भी नर्व के से संबंधी या ब्रेन से संबंधी आपको यदि प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए काली फॉस बहुत अच्छी दवाई है। काली फॉस को 3x पोटेंसी में मिलाया हुआ है, तो ये लगभग 4 दवाइयां जो है इसमें बराबर मात्रा में मिलाई हुई है, और इस कारण से ये बहुत अच्छा काम करती है। आपके एनीमिया के केस को तो ये दूर करती ही है, मतलब यदि आप इसको लेते हैं तो आपकी खून की कमी तो पूरी हो ही जाएगी, साथ में यदि आपके शरीर पे कहीं पर भी सूजन हो गई है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। यदि आपको सुस्ती बनी रहती है तो भी ठीक हो जाएगी। यदि आप थोड़ा सा काम करने के बाद में थक जाते हैं, है ना, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, पीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और थक गए आप, तो उसमें भी आपको ये काम करेगी। साथ में जो कॉन्सेंट्रेशन ना हो पाना, मन नहीं लगना किसी काम करने में, फटीग, डिजीनेस, ड्राउजीनेस की परेशानी होना, ये सारी ही चीज़ को आपकी बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 जो है वो ठीक कर देती है और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 आपको ये सारी परेशानी में आप यूज़ कर सकते हैं, और एनीमिया के लिए तो ये स्पेसिफिक बनी ही हुई है। इसको लेने का तरीका यदि मैं आपको बताऊं, मैं जो है टैबलेट्स हैं, और टैबलेट्स में आपको क्या होता है कि छोटी छोटी सी टैबलेट होती है, इनको आपको जो है लगभग 4 से 5 गोली निकाल लीजिए, और इसको आप डायरेक्टली जुबान पे डाल करके और अंदर के अंदर जो है डिजॉल्व भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में आप पानी पी लीजिए। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता है कि आप 4 से 5 गोली को हाफ कप पानी में थोड़े से कुनकुने पानी में डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली वो पूरी डिजॉल्व हो जाती है और वो पानी का जो भी सॉल्यूशन बन जाता है उसको आप फिर पी लीजिए धीरे धीरे। तो इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं। तो या तो आप डायरेक्टली टंग पे डाल करके उसको घुलघुला लीजिए, पूरा डिजॉल्व हो जाने दीजिए, फिर थोड़ा सा पानी पी लीजिए, या फिर आप पानी में घोल करके डायरेक्टली भी आधे कप पानी में 5 से 6 गोली, इसकी 4 से 6 गोली आप मिक्स कर दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसको लेने का तरीका मैंने बताया, अब कितने समय लेना है वो बताता हूँ। लगभग इसको दिन में 3 बार या 4 बार तो यूज़ आपको करना ही है, तभी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब आपको हर 3 घंटे में या हर 4 घंटे में इसको रिपीट करना है, मतलब दिन में लगभग 4 बार आप लीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है दोस्तों, तो बेझिझक आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आपको इफेक्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, और एनीमिया तो ठीक होगा ही होगा, साथ जो मैंने आपको सिम्टम बताए वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बिना मत जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।